सेकंड। ओके ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर सेकंड। तो कल हमने क्या पढ़े थे? कल हमने पढ़े थे व्यंजन के भेद। क्या पढ़े थे? व्यंजन के भेद। कौन कौन से भेद पढ़े थे हमने? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। कौन कौन से पढ़े थे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे आज हमें? आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो किसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन? किसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन? दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने व्यंजनों के मेल से बनते हैं? कितने व्यंजनों के मेल से बनते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। कितने व्यंजन के मेल से बनते हैं? दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने व्यंजन से बनते हैं? जब हम दो व्यंजन का मेल करते हैं, जब हम दो व्यंजन का मेल करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। दो व्यंजनों का, जब हमें दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे क, नीचे क्या लगा हुआ है? हलन, स, तो क्या बन गया? अक्षय। अक्षय क्या है? संयुक्त व्यंजन। त प्लस र क्या बन गया? त्र। ज प्लस य क्या बन गया? य। स प्लस र क्या बन गया? स्र। क्या बन गया? श्र। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन, जो किससे बने हैं? दो व्यंजन के मेल से बने हैं। जो कितने व्यंजन के मेल से बने हैं? दो व्यंजन के मेल से बने हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ओके ओके बच्चों, तो इनको क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना है। त स अक्षय, त रत्र, ज य, स रस्र। ओके, अब हम देखते हैं द्वितीय व्यंजन। क्या देखते हैं? द्वितीय व्यंजन। जब कोई व्यंजन वर्ण सम्मान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं, जब कोई व्यंजन वर्ण सम्मान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब कोई व्यंजन वर्ण सम्मान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं, जब कोई व्यंजन वर्ण सम्मान व्यंजन से मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब कोई व्यंजन वर्ण सम्मान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं, जब कोई व्यंजन वर्ण सम्मान व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कप, पक्का। तो इसमें ये जो आधा क और क है, ये कितने, क्या है? ये सम्मान व्यंजन है। क्या है? सम्मान व्यंजन। बच्चा, सज्जा, दिल्ली, अम्मा, गुब्बारा आदि।
बदल जाएगा। जब शब्दों को व्यंजनों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। शब्दों के इस बदले हुए रूप को ही क्या कहते हैं? शब्दों के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका रूप क्या हो जाता है? तो उनका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही क्या कहते हैं? स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क प्लस ओ प्लस मैं प्लस ए ले प्लस ए तो क्या हो गया? कोमल। ए के अलावा प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है। ए के अलावा क्या होती है? प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्रा होती है। कोई मात्रा नहीं होती और प्रत्येक स्वर वर्ण की क्या होती है? मात्रा होती है। ए प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। ए किसमें मिला होता है? ए प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला होता है। जैसे क प्लस ए क जब हम व्यंजन से ए को हटाते हैं तो उसमें क्या लगता है? उसमें हलंत लगता है। क्या लगता है? ये ए क्या इसमें से हटा हुआ है और इसमें क्या नहीं लगा हुआ? हलंत नहीं लगा हुआ। छ प्लस ए छ, प प्लस ए प। बिना ए के हम व्यंजन वर्ण को हलंत लगाकर क छ प के रूप में लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इनको हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर ए, ए की क्या होनी होती? कोई मात्रा नहीं। आ, ये किसकी मात्रा है? आ, ये किसकी है? ई, ऊ, सॉरी बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। ये क्या है? क्या है इनकी मात्राएं? क्या है मात्राएं? अब हम देखते हैं र के विभिन्न रूप। क्या देखते हैं? र के विभिन्न रूप। क्या देखेंगे? र के विभिन्न रूप। र के क्या देखेंगे? विभिन्न रूप। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जो व्यंजन के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जो व्यंजन के अतिरिक्त अन्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जो व्यंजन के अतिरिक्त अन्य रूप में भी क्या किया जाता है? अन्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब स्वर रहित र का प्रयोग किसी व्यंजन से पहले होता है तो वह व्यंजन के ऊपर आता है। जब स्वर रहित र का प्रयोग किसी व्यंजन से पहले होता है तो वह व्यंजन के ऊपर आता है, जिसे रेफ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे रेफ कहते हैं। जैसे करम, धर्म, वर्षा, स्वीकारे आदि। जब र का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन के पश्चात होता है तो वह वर्ण की पाई के नीचे की ओर लिखा जाता है, जिसे पद्धेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पद्धेन कहते हैं। जब र का प्रयोग स्वर रहित तै ठै डै ढै के बाद होता, वह उनके नीचे लगाया
जैसे ड्रम, ट्रक, ट्राम, ट्रॉली, शक बनाने के लिए वर्णों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसको कहते हैं? किसको कहते हैं वर्ण विच्छेद? शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे पुस्तक, पै प्लस ऊ, सै प्लस तै प्लस ए, कै प्लस ए, पुस्तक। तिथि, तै प्लस ई, थै प्लस ई, तिथि। प्रकाश, पै प्लस रे प्लस ए प्लस कै प्लस आ प्लस सै प्लस ए, प्रकाश। पर्वत, पै प्लस ए, रे प्लस व प्लस ए प्लस तै प्लस ए, पर्वत। क्या हो गया? पर्वत। तो वर्ण विच्छेद किसको कहते हैं? शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसे कहते हैं वर्ण विच्छेद? शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमने सीखा वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर पढ़े हमने? तीन प्रकार के। कौन कौन से पढ़े? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्रुद्ध स्वर। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यंजन पढ़े हमने? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है। और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। किससे किया जाता है? नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।